कोलंबिया में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही की अब तस्वीरें आ रही हैं सामने। आपको बता दें, लैंडस्लाइड में एक बस और कई वाहन दब गए हैं और इस बीच लोगों को रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। मलबे में दबने से इस बीच 33 लोगों की मौत की भी खबर है। हालांकि 9 लोगों को जिंदा बचाया गया और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब यहां रेस्क्यू का काम चल रहा था। बारिश से बिगड़ रहे हालात पर प्रशासन की पूरी नजर और इस बीच मौके पर पहुंची टीम्स किसी तरह लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जद्दोजहद करती नजर आई। लेकिन इस बीच जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वहां पर प्रशासन की टीम लगातार काम में जुटी हुई है, क्योंकि मलबे में दबने की वजह से 33 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जबकि 9 लोगों को जिंदा बचा लिया गया, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोलंबिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ज्यादातर इलाके प्रभावित हो चुके हैं और इस बीच मलबे में कुछ लोगों के दबे आने की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि 9 लोगों को बाहर निकाल लिया गया और भूस्खलन की चपेट में अब यात्रियों से भरी बस आ गई है, जहाँ ये हादसे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।